हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जिस तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग को कि बिहार बोर्ड 2020 ट्वेल्थ हिस्ट्री 150 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़कर रिवीजन कर लो। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो ज़रूर देखना, यानी सही बात है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से थंबनेल देखें। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं ऑब्जेक्टिव पढ़े ही नहीं है या फिर कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, तो वो देखना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े हैं, अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं, तो आपका रिविज़न जो है अच्छी तरीके से स्क्रीन पर जिस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है, गुप्त शासन का आरंभ हुआ। तो गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था, तो राइट है, आपके पास चार ऑप्शन है जिस तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपको। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी 320 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है, क्या है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। तो समुद्रगुप्त शासक जो बना तो किस ईस्वी में बनाया था, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ऑ नंबर, यानी 335 ईसा पूर्व में बना था। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी तीन नंबर का राइट आंसर, यानी सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, यानी मौर्य वंश का शासक था। किसका हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ऋग्वेद कितने मंडल में है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो पाँच नंबर का सी नंबर, यानी 10 मंडल में विभक्त है। अब राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे पूरी तरीके से, छठा नंबर यहाँ है। तो क्या है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजन पदों की चर्चा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो छठा नंबर का डी नंबर, यानी 16 महाजन पदों की चर्चा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सात नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग पूरी तरीके से, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो सात नंबर का आप लोग जानते होंगे, तो बी नंबर, यानी हड़प्पा सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आठ नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, क्या है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ। तो स्क्रीन पे आप जवाब भी देख पा रहे होंगे तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप चार ऑप्शनों में से, तो राइट आंसर आठ नंबर का सी नंबर, यानी 1921 में उत्खनन हुआ था, यानी दयाराम साहनी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से और देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो नौ नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे गौतम बुद्ध को माना जाता है विष्णु का अवतार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दस नंबर को देखते हैं, तो दस नंबर आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, मगध महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दस नंबर का ए नंबर, यानी राजगृह, राइट आंसर राजगृह ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, नंबर क्या है, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 नंबर का डी नंबर, यानी इंद्र, राइट आंसर डी नंबर इंद्र जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर, यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 13 नंबर का, यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी मुख दुनिया का शासक था।
14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग पूरी तरीके से। क्या है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी अकबर नामा में इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन स्किप करके देख लेते, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से। 15 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 नंबर का, ए नंबर, यानी चीन में थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या है 16 नंबर, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो राइट आंसर की बात करेंगे, थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, और तो आ चुके हैं पूरी तरीके से और देख पा रहे होंगे सवाल जवाब है यहाँ पर। क्या है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का सी नंबर, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे। क्या है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो बनाया था किसने बनाया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 नंबर का ए नंबर, यानी अकबर बनाया था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 18 नंबर का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, 19 नंबर क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था, मुमताज एवं शाहजहां का पुत्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 19 नंबर का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये तीनों बेटी थी उसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 20 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप लोग, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्रा था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 नंबर का, ए नंबर, यानी निकोली कोंटी, राइट आंसर निकोली कोंटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, 21 नंबर क्वेश्चन है, अपना यात्रा वृतांत मत लड सादेन नाम से किस विदेशी यात्रा ने लिखा? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी अब्दुल रजाक राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रजाक राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग। क्या है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 22 नंबर का अ नंबर, यानी क्या हो जाएगा चिश्ती से है, चिश्ती से राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे पूरी तरीके से क्वेश्चन को। क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो राइट आंसर की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर की बात करें 23 नंबर का बी नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, 24 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत क्या है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 24 नंबर का बी नंबर, यानी अद्वैतवाद, राइट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन तो आ चुकी है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 नंबर का, ए नंबर, यानी अल बैरूनी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्रा ने बताया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर, यानी बर्नियर ने देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन तो आ चुकी है स्क्रीन पे। क्या है, अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता है, यानी होता था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 नंबर का, बी नंबर, यानी जमींदार। ठीक है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जमींदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी?
तो राइट आंसर की बात कब यानी प्राप्त हुई थी, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा 28 नंबर का बी नंबर यानी 1765 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु कब हुआ था इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 29 नंबर का बी नंबर यानी मई 1857 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है 29 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 29 नंबर ये है जी, तो 29 नंबर क्या है क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 29 नंबर का बी नंबर यानी चपाती और कमल का फूल, राइट आंसर चपाती और कमल का फूल यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग क्या है, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 30 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी 1840 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या है भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था, तो राइट आंसर की आंसर को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्किप करके, तो इसका आंसर आ चुकी है तो क्या हो जाएगा यानी आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा, 31 का बी नंबर यानी लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम चलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग क्या, खेरा यानी गुजरात में एक खेरा एक जगह का नाम है, अब गुजरात नाम है, ठीक है, खेरा में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 32 नंबर का बी नंबर यानी 1918 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप लोग, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है 33 नंबर का यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ए नंबर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 33 नंबर का देख लिया हम लोग, अब 34 नंबर को देखते हैं तो आ चुके पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, काला कानून किसे कहा गया, काला कानून किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 36 नंबर का यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर के बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 37 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर यानी 38 नंबर का बी नंबर राइट आंसर 26 जनवरी को मनाता है। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था, तो नाविकों का देश कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी एक नंबर का ए नंबर यानी मेलुहा, मेलुहा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आई हुई है, देख लेते हैं क्या है दूसरा नंबर, क्या है, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे, तो किस अंक का प्रयोग करते थे, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है आपका चार ऑप्शन में 4, 12, 8, 16, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयोग करते थे, तो ए नंबर राइट आंसर यानी 4 अंकों का प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे आप लोग क्या है, चंद हुदरो उत्पादन केंद्र था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप शायद एक भी दिन नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी अगर आप पढ़ के रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। क्या है, चंद्रहुद्रो उत्पादन केंद्र था, तो क्या उत्पादन चंद्रहुद्रो में हुद्रो में क्या उत्पादन होता था, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 3 नंबर का बी नंबर यानी मनका मक्का यानी उत्पादन करता था मक्का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर गलत है, मनका दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आप लोग क्लियर कर चुका,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है चौथा नंबर क्वेश्चन, अशोक का शासनकाल था, अशोक का शासनकाल क्या था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी चार नंबर का बी नंबर, यानी 259 से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पांचवा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से क्या है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया था, कब पढ़ा गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पांच नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी 1837 में पढ़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे आप लोग, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो राइट आंसर की बात करेंगे चार ऑप्शनों में से, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा होगा, यानी छः नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी विशाख दत्त ने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन 57 नंबर आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे। तो सात नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सात नंबर का सी नंबर, यानी चंपा, अंग जनपद की राजधानी चंपा, राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आठ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या द्विज के अंतर्गत कौन कौन है, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी प्रथम तीन वर्ण, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से नौ नंबर क्वेश्चन, क्या है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नौ नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी ऋग्वेद में है, राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख पाएंगे आप लोग, क्या है, दस नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी 10 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी गुप्त वंश का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था, किसको अधिकार था। तो इसका हम लोग स्किप करके देख लेते हैं आंसर, तो राइट आंसर की बात करेंगे इन चारों में से, तो ए नंबर राइट आंसर, यानी क्षत्रियों को। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग, कार्ले के चैत्य का किसने निर्माण करवाया, किससे निर्माण कराया। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 12 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर, क्या होगा, पहाड़ी चट्टानों से इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग, क्या है, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो बौद्ध के सबसे पवित्र स्थल क्या है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर, यानी स्तूप, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग, क्या है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया। तो 14 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, यानी महाभारत, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नुमा लिखा। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का ए नंबर, यानी अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे 16 नंबर का बी नंबर, यानी 1336 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, यानी कृष्णदेव राय महानतम शासक था विजयनगर का। अब 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 नंबर का, यानी बी नंबर, यानी अकबर का वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे लोग पूरी तरीके से, क्या है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन थे। तो अनुवादक कौन थे, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 19 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। राजकुमार दारा का संबंध किससे था? राजकुमार दारा का संबंध किससे था? तो राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर, यानी कादरी। राइट आंसर कादरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग, क्या है? सूफी मत का फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 नंबर का डी नंबर, यानी बिहार में पनपी थी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या है? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता किस नंबर का राइट आंसर? ए नंबर, यानी मोरक्को का यात्री था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, क्या है 23 नंबर? मध्ययुग यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुग यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे 23 नंबर का बी नंबर, यानी मार्को पोलो को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 24 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 25 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी जहांगीर ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं 26 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से, क्या है? अकबर का वजीर कौन था? तो अकबर का वजीर कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर, यानी बैरम खा था। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन, क्या है? कॉर्नवालिस कोड बना, यानी कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो राइट आंसर की बात करेंगे बी नंबर, यानी 1793 ईस्वी में कोड बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप लोग। जमींदारी प्रथा भारत में किस राज्य में लागू हुआ? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 28 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी बंगाल में हुआ था लागू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी केनिन। राइट आंसर केनिन, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं। केरिन से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 30 नंबर का बी नंबर, डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 31 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं 32 नंबर क्वेश्चन, क्या है? बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 नंबर का ए नंबर, यानी क्लाइव। राइट आंसर क्लाइव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, क्या है? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 33 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी मीर जाफर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर मीर जाफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आ चुके हैं पूरी तरीके से 34 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 34 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी 1911 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किसके लिए किया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 35 नंबर का बी नंबर, यानी नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से 36 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे आप लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे 36 नंबर का बी नंबर, यानी 1931 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो राइट आंसर की बात करेंगे थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 37 नंबर का बी नंबर यानी 1931 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग क्या है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 38 नंबर का बी नंबर यानी मंगल पांडे ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 39 नंबर क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र हुआ, भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी ए नंबर 1947, तो आ चुकी है देख पा रहे हम लोग, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 40 नंबर का सी नंबर यानी सी गोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा।